डियर स्टूडेंट्स, हम सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स, नॉर्मल ऑपरेटर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे और अभी हम इस वीडियो के अंदर भी वी हैव वेरी शॉर्ट रिजल्ट, और ये रिजल्ट है, दिस इज़ अबाउट सेल्फ एडज्वाइंटनेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने सेल्फ एडज्वाइंटनेस की बात की थी, अभी उसके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन यू हैव टू ऑपरेटर्स एस एंड टी। ओके, सो इसके पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड सेल्फ एडज्वाइंट लीनियर ऑपरेटर्स एस एंड टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेल्फ एडज्वाइंट इफ एंड ओनली इफ द ऑपरेटर्स कम्यूट। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि आपके पास जो है वो ऑपरेटर्स जो हैं वो सेल्फ एडज्वाइंट होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स सेल्फ एडज्वाइंट होंगे इफ एंड ओनली इफ कि आपके पास वो ऑपरेटर जो आपस में कम्यूट करें। दैट मीन्स यू एस टी इज इक्वल टू टी एस, अगर वो कम्प्यूट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट सेल्फ एडज्वाइंट होगा, अगर वो कंप्यूट नहीं करते तो सेल्फ जो उनका प्रोडक्ट है वो सेल्फ एडज्वाइंट नहीं होगा। ये इफ़ एंड ऑनली इफ की कंडीशन है। इफ़ एंड ऑनली कंडीशन ये है कि हम पहले सपोज करेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ एडज्वाइंट है, हम प्रूफ ये करेंगे कि वो आपके पास कम्यूट करता है, और फिर हम कम्यूट प्रूफ सपोज करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि उसका जो प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ एडज्वाइंट है। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ करते हैं, सीधी सी स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नाउ द प्रूफ we are interested to see Hilbert adjoint operator of product of S and T। ठीक है, यानी कि S आपके पास एक ऑपरेटर है जो कि H से H के ऊपर है, और T आपके पास ऑपरेटर है जो कि H से H के ऊपर है। ठीक है, अब आपको याद होगा इससे पहले जब हमने प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे इसकी सेल्फ Hilbert adjoint operators की, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि आपके पास S और T adjoint, this is same as S, this is same as T joint and S adjoint। ठीक है, तो इसके बराबर आया था T star और S star, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, तो अब आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि दस व्हाट वी नीड टू शो, वी सपोज सो लेट बोथ डायरेक्शन में, सो फर्स्ट वी प्रूफ दिस, सो लेट्स से दिस इज प्रोडक्ट एस टी इज सेल्फ एडज्वाइंट। सेल्फ एडज्वाइंट का मतलब क्या है कि एस टी स्टार दिस इज इक्वल टू एस टी, ओके, बट दिस एस टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार and S star, this is same as ST or we are given that these operators are self-adjoint। self-adjoint का मतलब ये है कि आपके पास S star is equal to S given है और T star is equal to T given है। ठीक है, तो यहाँ पे property apply करेंगे, so using this we get this T S is equal to ST, that means commutes, okay। Now we have conversely, conversely हम suppose करते हैं कि ST is equal to TS, ठीक है, now we are interested to see what is ST, ST star this is equal to T star, by definition T star S star, now this is since this is equal to T and this is equal to S, okay, and we need to show that this is self adjoint, okay, so this is equal to T and S, but since this is commutes, so this is same as ST, this implies this ST star is equal to ST, so this implies this is self एडजॉइंट। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने दोनों चीज़ों को ऐसे प्रूफ कर दिया, तो वी आर डन विद दिस प्रूफ।